Hello everyone, this is Manchi for me, Vidyati George, and I'm here with a new chapter. The name of the chapter is Algebraic Expressions. So, ये chapter का introduction video है, इसमें chapter के जो भी concepts हैं या main points हैं, उनको discuss करेंगे, ताकि जब आप इसके questions करो exercises के, तो वो आपको बहुत easy लगे. So, let's get started. Now, as the name suggests, Algebraic expressions. So, what are these expressions? अभी हमने एक chapter किया था, chapter number 4, जिसमें name था, जिसका simple equations. वहां हमने discuss किया था, equation क्या होता है? Equation, जिसमें बीच में equals to का sign आता है. Like, if we write x plus 4 equals to 6. So, ये है हमारी equation. Right, this is an equation. But, अगर मैं सिर्फ इस साइड की बात करूं, if I just take x plus 4, so this x plus 4 is an expression. Expression means combination of terms. अब terms क्या होता है और ऐसे बहुत सारे इसमें terms हैं जो कि use होंगे. So हम एक ही करके उन terms को discuss करेंगे. Now let's discuss these concepts. ये छोटे-छोटे से concepts हैं जिसके based questions भी आते हैं जो आपको पता भी होना चाहिए. Now first thing first, expression हमने अभी पढ़ा क्या होता है, जैसे कि यहाँ लिखा है 3xy plus 2x plus 4, so this is an expression. Okay, अब आते हैं इन concepts पे. जो first one is variable. अब variable क्या होता है, किसी भी expression के बीच में जो ये alphabets आते हैं like x, y, x, so ये इसके variables है. इसकी value कभी भी change हो सकती है, x कभी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है. सिमिलरली y भी कोई भी नंबर हो सकता है. सो हियर द वेरिएबल आर x y. x फिर से रिपीट हो रहा है तो हम x और y ही लेंगे. देन वी हैव कांस्टेंट. अब कांस्टेंट वो होता है जो कि चेंज नहीं हो सकता, जैसे कि यहां पे 4 है तो ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 4 ही रहेगी, आप इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते. जैसे ये 2 है, ये 2x लिखा है, अगर x 1 है तो ये तो तब तो 2 into 1 2 है, अगर x 2 हो जाए तो 2 into 2 4 हो गया, मतलब इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट ये नंबर एज इट इज रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. सो द कांस्टेंट हियर इज 4. उसके बाद है टर्म. अब टर्म या टर्म्स क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन के अंदर जब भी ऑपरेशंस लगते हैं, ऑपरेशंस कैन बी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सो उसके अलावा जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है टर्म. जैसे कि 3xy एक टर्म है, 2x एक टर्म है, 4 एक टर्म है, तो ये टर्म्स है. ठीक है, सो यहां पे टर्म्स इस एक्सप्रेशन में है 3xy देन 2x देन 4. So, समझ आ रहा है आपको ये क्या-क्या चीजें हैं. उसके बाद है फैक्टर्स. अब फैक्टर्स क्या होता है, इसमें पूरी एक्सप्रेशन मत लो, सिर्फ टर्म लो. जैसे कि अगर टर्म है 3xy, सो इस 3xy में अलग-अलग फैक्टर्स हैं. 3 है, x है, y है, सो 3 इज अ फैक्टर, x इज अ फैक्टर, y इज अ फैक्टर. ऐसे ही अगर आप 2x ले रहे हो, सो 2 और x, ये दोनों फैक्टर्स हैं. अगर आप 4 ले रहे हो तो 4 या 1 कह सकते हो, बिकॉज़ 4 into 1 is 4, सो ये इसके फैक्टर्स हैं. ठीक है, उसके बाद आता है कोफिशिएंट. कोफिशिएंट होता है न्यूमेरिक फैक्टर. न्यूमेरिक फैक्टर मींस 3xy है, टर्म हमने ली 3xy. अब इसमें x और y वेरिएबल है, नंबर कौन सा है, 3. सो अगर हम 3xy की बात करें तो 3xy का कोफिशिएंट है 3. ओके, सिमिलरली 2x की बात करें तो इसका कोफिशिएंट है 2 और 4 तो ऑलरेडी एज इट इज है. ठीक है, सो जो न्यूमेरिक फैक्टर होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द कांसेप्ट्स, मोस्ट मोर कांसेप्ट्स जिसके बेस आपके पास क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, टर्म क्या है, फैक्टर क्या है, ऑल दैट. Okay, now it comes to the next topic. Now the next topic is like terms and unlike terms. अभी हमने पढ़ा term क्या होता है, right? अब इस term को हम divide कर सकते हैं दो part में. एक है like terms और एक है unlike terms. अब like terms और unlike terms में difference क्या होता है? Like terms होता है जिसके algebraic factors same होते हैं. For example, if I have 3x 2 x,
सो इसके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस सेम है ना, ऐसे ही 3xy 7xy सो xy सेम है. सो जिसके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेम होंगे वो होंगी लाइक टर्म. उसी तरह अगर मैं लिखूं 3xy एंड 7x, अब यहाँ पे xy है वहां पे सिर्फ x है, सो दिस मींस ये हो गए अनलाइक टर्म्स. अब ये लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स बहुत हेल्पफुल है जब आप एडिशन करोगे सब्ट्रैक्शन करोगे, वहां पे आपको समझ आएगा लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. सो मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल मींस एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म है. सो इफ देयर इज ओनली वन टर्म, सो वो होता है हमारा मोनोमियल. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 3xy, सो ये एक टर्म है, फैक्टर्स काउंट नहीं करने, ये पूरी एक टर्म है. ओके, नेक्स्ट वी हैव बाइनोमियल्स. बाइनोमियल्स होते हैं जिसमें आपके पास दो टर्म्स होती है. इफ देयर आर टू टर्म्स ऑल्सो, वो दो टर्म्स अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए. लाइक टर्म्स में वो एड या सब्ट्रैक्ट जो भी होगा वो हो जाएगा, इसलिए अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए. सो इफ वी हैव 3xy प्लस 2x, सो ये हो गया हमारा बाइनोमियल. ठीक है, सिमिलरली आप ट्राइनोमियल, आपको समझ आ गया होगा ट्राइनोमियल मींस थ्री टर्म्स, अगेन अनलाइक टर्म्स. सो इसी को आगे लेके चलते हैं, 3xy प्लस 2x प्लस 7, सो दिस इज अ ट्राइनोमियल. ओके, सो दिस वाज अबाउट मोनोमियल, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. Now let's talk about addition and subtraction of algebraic expressions. सबसे पहले हम देखते हैं terms को आप add और subtract कैसे करते हैं. So अगर आपके पास कोई term है 8xy and 5xy, अब ये दोनों जो terms है they are like terms. Like terms क्यों है? Because इसके साथ भी xy है, इसके साथ भी xy है. So, अगर आपको add करना है subtract करना है तो आप सिर्फ like terms को add या subtract कर सकते हो. Now अगर आपको इसे add करना है तो अगर ये xy है तो आप क्या करोगे, दोनों में से let's suppose हमने xy common ले लिया, बचा 8 plus 5. So xy 8 plus 5 is 8, 9, 10, 11, 12, 13. Now 13 into xy which is 13xy. मतलब सिंपल सा अगर आप देखो तो आप इनको नॉर्मल प्लस कर सकते हो, साथ में एक्स वाई लगा दो. बट ये तभी पॉसिबल है अगर टर्म्स लाइक होंगी. अगर ये होता 8xy प्लस 5x तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते बिकॉज ये xy है, ये सिर्फ x है. सो सेम लाइक टर्म्स होना जरूरी है. ठीक है, सिमिलरली इसी को ही जैसे हमने प्लस किया, अगर आपको माइनस करना है तो आप कैसे करोगे, 8 माइनस 5 इज 3 और साथ में xy, सो हमारे पास आ गया 3xy. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टर्म्स. अब अगर आपके पास आए एक्सप्रेशंस, पूरे पूरे एक्सप्रेशंस है, उनको एड और सब्ट्रैक्ट करना है. सो लेट्स सी कैसे करेंगे. मैं यहाँ पे छोटे एक्सप्रेशंस ही ले रही हूँ. लेट्स सपोज इफ आई एम टेकिंग 3x प्लस 11 एंड 7x माइनस 5. सो ये दो अलग अलग एक्सप्रेशंस है. अब अगर आपको इन्हें ऐड करना है तो सिंपली इनके बीच में प्लस होगा. अब आपको 3x प्लस 11 प्लस 7x माइनस 5 इसको सॉल्व करना है, तो जो लाइक टर्म्स है उनको साथ में रख लो. जैसे सबसे पहले 3x है, x वाली और कौन सी टर्म है, 7x. सो प्लस 7x बचा प्लस 11 और माइनस 5. आप इन दोनों को सॉल्व करो, 7 प्लस 3 इज 10, सो ये हो गया 10x. देन प्लस और माइनस का प्लस माइनस माइनस, 11 में से 5 गए 6, तो ये आया 6 और साइन आएगा प्लस का, सो ये हो गया 10x प्लस 6. ओके, सो ये आ गया हमारा आंसर. मतलब कि अगर आपको इनको ऐड करने, क्या फर्दर ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, एक नॉर्मल नंबर है, एक आपके पास x है. ऐसे ही इसमें अगर आगे भी होता है xy तो हम सिर्फ लाइक टर्म्स को साथ रख के एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. नाउ
लेट्स टेक दिस सेम एक्सप्रेशंस बट अब आपको करना है इन्हें सब्ट्रैक्ट. तो सब्ट्रैक्शन में एक चीज ध्यान रखनी है, अगर यहाँ आप माइनस कर दो तो पहली बात तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा, राइट. ऐसे तो नहीं कर सकते आप ऐसे 7 के साथ माइनस लगा दोगे, ब्रैकेट में लिखोगे. अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है सो ये तो एज इट इज रहेगा, इसके अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे. ये ध्यान रखना है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर वाले साइन सेम रहते हैं, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं. सो ये 7x हो जाएगा -7x. अभी पॉजिटिव है, नेगेटिव हो गया, माइनस है प्लस हो जाएगा, ठीक है. अब फिर से ऐसे लिखो आगे, लाइक टर्म्स को साथ रख लेते हैं, 3x -7x प्लस 11 प्लस 5. ओके, नाउ 3 माइनस 7 प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 गए 4. साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, सो दिस विल बी -4x. देन प्लस प्लस प्लस, सो 11 प्लस 5 इज 16, राइट. सो वी हैव -4x प्लस 16, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन. सो इस तरह से आप एक्सप्रेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. Now, our next topic is finding the value of expressions. अब अगर आपको expressions की value निकालने, देखो equation में क्या होता है, हम x, y की value find करते हैं, इसमें हम expression की value find करते हैं. कैसे, अगर आपके पास expression में कोई variables है तो उसकी value आपको given होगी. For example, simple सा लेते हैं 4x, तो आपके पास है 4x and आपको given है कि x equals to 2 है, तो 4x कैसे find करोगे, 4 x की जगह 2 लिखा, सो 4 इंटू 2 इज 8. आगे एक्सप्रेशन की वैल्यू, सिमिलरली कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन है, लेट्स सपोज 7x प्लस 3y प्लस 3xy, ये एक्सप्रेशन है. अब यहाँ पे आपको गिवन है x इक्वल्स टू 2 है, y इक्वल्स टू 3 है. ओके, सो ये हो जाएगा 7x की जगह 2 पुट किया प्लस 3, y की जगह 3 पुट किया प्लस 3, x की जगह 2, y की जगह 3. अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 इंटू 2 14 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18, राइट. सो नाउ इसको ऐड करना है, 9 प्लस 4 इज 13 प्लस 8 14 15 16 17 18 19 20 21. Then we have 2, 3, 4. So we have 41. अभी 41 हो गया इस expression का solution, और बोल सकते value of this expression. Okay? So this was the last topic for this chapter. I hope आपको हमने जितने topic discuss करे वो समझ आ गए हैं. Because जब आप questions करोगे तो आपके पास इन्हीं topics related questions होंगे. Okay? So that's it. I'm signing off for now. I'll be coming again with the new chapter. Till then, take care and bye-bye.